तो आज मैं आपको ले जा रहा हूं जर्मनी से पोलैंड। पोलैंड में कहां? बताते हैं भाई, बताते हैं। तो पहुंच गए हम अपने ट्रेन स्टेशन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जाने के लिए, और लकीली भाई हमारी आज की ट्रेन डिलेड नहीं है, कैंसिल भी नहीं है और स्ट्राइक पे भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा दिन जा रहा है, शुरुआत अच्छी हुई है। दोस्तों सफर हो चुका है शुरू। मैं हूँ इस वक्त आईसीई में, जिसको इंटरसिटी एक्सप्रेस कहते हैं, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज है एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का, क्योंकि इसमें स्टॉप्स मिनिमम स्टॉप्स होंगे और इसकी स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर आर के हिसाब से जा सकती है, पहुंचती है। मैक्स स्पीड मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर पर आर है, और ये सबसे अच्छा कनेक्शन होगा अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रोपॉलिटन टू मेट्रोपॉलिटन, या फिर आपका डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, तो आईसीई ट्रेन्स जो होंगी वो आपको बेस्ट कंफर्ट लेवल देगी। और अगर आपका ये ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि आप महीने में 2-3 बार ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर ही रहे हो, तो एक जुगाड़ बताता हूँ आपको। एक बान कार्ड आता है, बान यानी कि ट्रेन कार्ड आता है 25% और 50%, तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और या फिर 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो उस हिसाब से आप ये पान कार्ड खरीद सकते हो, और आप कैलकुलेट कर लो कि आपको सस्ता पड़ रहा है पान कार्ड खरीद के कि नहीं, उस हिसाब से आप ये खरीद लो। तो ये एक जुगाड़ है, ठीक है। तो आप पहुँचते हैं एयरपोर्ट और वहाँ पर ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, इस आईसी में रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप रेस्टोरेंट में ख़रीद भी सकते हो, और प्लान सारा बना हुआ है कि कौन से डब्बे में रेस्टोरेंट है और कौन से डब्बे में आपके साथ बच्चे हैं, तो बच्चों का अलग कंपार्टमेंट है, वहाँ आप बैठ सकते हो, वो सारा प्लान बना होता है, तो आप ताकि उसी डब्बे में जाके चढ़ो। तो जैसा मैंने आपको ट्रेन स्टेशन में बताया था कि आज हम लकी हैं, दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, क्योंकि ना ही हमारी ट्रेन कैंसिल थी, ना ही डिलेड थी, और ना ही स्ट्राइक की वजह से जर्नी ही पूरी कैंसिल थी। तो जैसा आपको मैंने अभी दिखाया कि ये ट्रेन कोलोन, डुइसबर्ग और एसेन जाने वाली थी, पर ये नहीं जा रही है आईसीई, ये तीनों सिटीज़ पे नहीं रुकेगी, और ये तीनों सिटीज़ बड़ी सिटीज़ हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि आज हमारी सिटी पे रुकी तो ट्रेन कैंसिल नहीं हुई, या फिर ट्रेन बिना रुके स्टेशन को क्रॉस नहीं किया। ये 2023 से हो रहा है, थोड़ा स्ट्राइक्स वगैरह का चक्कर चल रहा है, तो अगर आप जर्मनी आ रहे हो और या फिर जर्मनी में हो, तो आपको पता ही होगा कि ट्रेन पे अभी हम इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बेस्ट लेवल ऑफ कम्यूटिंग है लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी नहीं है। और जर्मनी और यूरोप माना ही इसलिए जाता है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट बड़े ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और आप भरोसा कर सकते हो। तो पर खैर चल रहा है, अभी देखते हैं कब तक चलता है। फिलहाल अब हम फोकस करते हैं जगह ढूंढने में, सीट ढूंढने में, ताकि बैठ पाएँ, ठीक है। तो पहुंच गए एयरपोर्ट और अब हम जा रहे हैं अपना लगेज चेक इन करने। तो ये जो आपने काउंटर्स देखे वो सेल्फ चेक इन के काउंटर्स हैं, पर हम जा रहे हैं बिजनेस क्लास में चेक इन करने। तो बिजनेस क्लास के लिए भी आप सेल्फ चेक इन कर सकते हो, पर ये जो जहाँ से आप अपना बोर्डिंग कार्ड निकालते हो, जैसे मेरे पीछे अभी मशीन्स देख रहे हो, तो यहाँ से मेरे जो माइल वाला कार्ड है, मेरा जो माइल वाला कार्ड है, वहाँ से वैसा बोर्डिंग कार्ड नहीं निकलता जिसको मैं लाउंज में दिखा सकूँ, इसलिए मुझे स्पेशली इन काउंटर्स पर आना पड़ता है, जो आप मेरे पीछे काउंटर्स देख रहे हो, यहाँ पे आना पड़ता है, और यहाँ से मुझे स्पेशल बोर्डिंग कार्ड मिलता है। तो अब हम बोर्डिंग कार्ड निकालते हैं और फिर चलते हैं आगे लाउंज में। तो ये जो मैंने अभी आपको काउंटर्स दिखाए बिजनेस क्लास के काउंटर्स, वैसे ही इकोनॉमी क्लास के काउंटर्स होते हैं, यानी कि जहाँ से आप अपना बोर्डिंग कार्ड निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली। पर मुझे, जैसा मैंने बताया आपको, कि मेरे बोर्डिंग कार्ड में गोल्ड क्लास आता नहीं है, एंट्री नहीं होती जब मैं ये ऑटोमेटिक स्टैंड्स जो हैं वहाँ से निकालता हूँ, जहाँ से आप खुद एंट्री करके अपनी टिकट नंबर, फ़्लाइट नंबर सब खुद ऑटोमेटिकली बोर्डिंग कार्ड निकाल सकते हो। तो वहाँ से मेरा बोर्डिंग कार्ड पे ये गोल्ड क्लास आता नहीं है, तो मैं लाउंज जा नहीं पाता, तो इसलिए मुझे काउंटर्स पे जाना पड़ता है ताकि ये बोर्डिंग कार्ड, स्पेशल बोर्डिंग कार्ड निकले, और ताकि मैं लाउंज यूज़ कर सकूँ। तो अब जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ और
फिर मिलते हैं लाउंज में। तो मेरे पीछे है बिजनेस लाउंज, अब हम जाएंगे बिजनेस लाउंज में। सिक्योरिटी पास हो गया है और अभी हमारे पास करीबन एक घंटा है। और मुझे एक चीज़ हमेशा डर लगती है, जब सिक्योरिटी के टाइम पे आपका बैग पास हो रहा होता है सिक्योरिटी के टाइम पे, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा बैग अभी वो साइड में जाएगा, जो आपका कन्वेयर होता है उसमें से साइड में जाएगा और फिर वो बोलेंगे भाई कुछ अंदर रह गया। मुझे हमेशा ये रहता है। और ये बात हम हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपका टाइम बिल्कुल बहुत कम बचा है, तो प्लीज़ अपना बैग जो आप सिक्योरिटी के पास थ्रू करवा रहे हो उसमें सब चेक कर लो कि कोई लिक्विड नहीं है। अगर लिक्विड है तो वो बाहर निकला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप पूछ लो कि बाहर निकालना है कि नहीं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वो दोबारा चेक इन, जो अगर आपका बैग साइड में हो जाता है तो दोबारा चेक करने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ही कम टाइम बचा है फ़्लाइट पकड़ने में तो ये पंगा पड़ सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा हमेशा एक एंग्जाइटी पॉइंट होता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई अभी मेरा बैग वहाँ पे जाएगा, इसलिए मैं हमेशा एयरपोर्ट 2-3 घंटे पहले ही आता हूँ, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो या डोमेस्टिक फ़्लाइट हो। डोमेस्टिक इन अ सेंस अगर यूरोप में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं हमेशा पहले ही आता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। तो चलो अब लाउंज जाते हैं। लाइन लंबी थी तो मैंने सोचा आपको बताएं कि हमें डर किस चीज़ से लगता है। ठीक है भाई, शेर को भी डर लगता है। तो पहुँच गए लाउंज में और मैंने कहा था ना, एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने कहा था कि जब मैं ऑटोमैट में से एटीएम में से बोर्डिंग कार्ड निकालता हूँ तो वो एंट्री नहीं करने देते बिजनेस लाउंज में, क्योंकि इधर वाला जो बारकोड है उसमें आपका फ्रीक्वेंट फ्लायर एंटर नहीं होता, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड है तो वो फिर उनको वहाँ पे उसका बारकोड स्कैन करना पड़ता है, और कभी कभी वो बारकोड स्कैन नहीं हो पाता तो उसमें टाइम बहुत लगता है, और या फिर वो बोलते हैं आप बोर्डिंग कार्ड वापस निकाल के आओ। तो लाइन इसलिए लंबी थी क्योंकि लोगों ने अपना बोर्डिंग पास चेक इन पहले कर लिया था, तो चेक इन वाले के लिए उनका जो बोर्डिंग कार्ड था वो फ़ोन पे आ गया, और उन्होंने अपना फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर वहाँ पे डाला नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि ये बोर्डिंग कार्ड और फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड दिखाएंगे तो एंट्री मिल जाएगी, पर वो हुआ नहीं। तो सबको वापस जाना पड़ा अपना कार्ड निकालने के लिए वापस पेपर वाला। चलो अब वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं, पेट पूजा, और फिर मिलते हैं पोलैंड में। ठीक है, तो पहुंच गए हैं पोलैंड डांस एयरपोर्ट और अब वेट कर रहे हैं अपने बैगेज का, जो हमेशा से मेरे साथ होता है बैगेज डिले। तो बस अब बैगेज लेते हैं, फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो बैग का वेट करते करते मुझे याद आया कि करेंसी भी एक्सचेंज करानी है, क्योंकि हम पोलैंड में हैं और पोलैंड में यूरो नहीं चलता, ज्लॉटे चलती है इनकी जो करेंसी है, तो वो भी करेंसी चेंज करा ली है। करीबन मेरे ख्याल से 1 यूरो इज़ 4.23 ज्लॉटे, तो उस हिसाब से करेंसी चेंज करा ली है। अब जैसे ही लगे जाता है हम जाते हैं अपने होटल और फिर आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आप पकड़ने जा रहे हैं टैक्सी। एक टिप देता हूँ, ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कंट्री आते हैं जहाँ पे यूरो नहीं है उनकी करेंसी, तो जैसे मैं पोलैंड में हूँ तो पोलैंड में ज्लोटे हैं, वैसे हंगरी में भी यूरो नहीं है, तो वहाँ पे जो ऐसे एटीएम्स होते हैं ना, जैसे मेरे सामने है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से पैसे कभी मत लेना। क्यों? यहाँ पे आपको कमीशन होगा बहुत हाई, और प्लस रेट भी डिपेंड करता है कि आप कार्ड कौन सा यूज़ कर रहे हो अपनी, जो जहाँ से आप जिसमें से आप जिस बैंक अकाउंट में से आप पैसे कन्वर्ट करवा रहे हो, तो वो कार्ड पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए एक्सचेंज जो सेंटर्स होते हैं प्रॉपर, जहाँ पे बंदा बैठा होगा वहीं से कराना, तो वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब पकड़ते हैं भैया टैक्सी, क्योंकि टैक्सी के लिए हमने करेंसी एक्सचेंज कराई है, तो देखते हैं कितना लेते हैं, फिर आपको टैक्सी में बताते हैं हम जा कहाँ रहे हैं। तो दोस्तों बैठ गए हैं टैक्सी में, टैक्सी मिल गई और अच्छी खासी रेट पर मिल गई, और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से अपने होटल, और वहाँ मिलके आपको बताते हैं कि हम करने क्या वाले हैं आज। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, तो पहुँच गए अपने होटल, शेरेटन होटल है इस होटल का नाम। अब आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वो भी जनवरी के महीने में जहाँ पे बारिश और ठंड पड़ रही है। बाय द वे, ये है मेरी बिजनेस ट्रिप, इसलिए मैं जनवरी के महीने में यहाँ पे आके गिरा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये, जैसा मैंने बताया, हो सकता है एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और अनडिस्कवर्ड समर पैराडाइज हो सकता है आपके लिए,
क्योंकि समंदर बाल्टिक सी मेरे बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो बाय द वे जहाँ पे हूँ उसको सपोर्ट, जगह का नाम सपोर्ट है, जो डांस्क, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप डांस्क एयरपोर्ट पे आओगे। तो डांस्क एक बहुत बड़ी सिटी है बाय द वे, जहाँ पे ऑल्सो वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी 1939 में। हाँ जी, नाजियों ने सबसे पहली गोलीबारी डांस्क से ही शुरू करी थी, ये दिखाने के लिए कि भाई हम पोलैंड इन्वेड करने वाले हैं। खैर, नेगेटिव बात नहीं करते हम इन व्लॉग में, तो करते हैं पॉजिटिव बातें। हाँ जी, तो डांस से यहाँ पे आने के लिए आपको सिर्फ 20 से 30 मिनट लगेंगे, हो गए ना पॉजिटिव बात। हाँ जी, 20 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। तो डांस के एयरपोर्ट से आप यहाँ हो गए, और डांस में भी आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हो, और डांस को सपोर्ट आप दोनों मेरे ख्याल से 1.5-2 दिन मैक्सिमम में कवर कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अभी पियर, वुडन ब्रिज, एक तरीके का वुडन ब्रिज है जो यूरोप का सबसे बड़ा वुडन ब्रिज है समंदर के तरफ जो जाता है, तो वो आपको दिखाएंगे। पर इसलिए सपोर्ट और डांस का आप दोनों 1-2 दिन में कवर कर सकते हो आराम से, मस्त रात चिक खाना पीना सब करके, ठीक है। तो इसलिए हम जनवरी में यहाँ पे आए हैं, जो ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है, इस महीने में बिल्कुल मत आना, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बताया, ये समर पैराडाइज या समर डेस्टिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट कैन यू डू इन सपोर्ट ऑन अ डे ट्रिप, क्योंकि हम एक दिन के लिए यहाँ पे है ना, और दैट्स द रीजन वाई दिस हिंदी व्लॉग, हाँ जी दोस्तों, ये हिंदी व्लॉग आपका सपोर्ट ट्रैवल गाइड बन सकता है। हाँ जी, तो ये व्लॉग को आप इस्तेमाल करो एज अ ट्रैवल गाइड फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो अगर सपोर्ट आते हो तो वीडियो को देखना और आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो बस अब निकलते हैं बाहर, क्योंकि मौसम बारिश वाला है, तो और जनवरी का महीना है, ठीक है, तो अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा। आपको दिखाते हैं समंदर, चलो। तो ये होता है फ़ायदा पढ़ने लिखने का और ऐसा काम चुनने का जो आपको ऐसी जगहें दिखा सके। हाँ, बाय द वे एक और चीज़, ये जो आप स्टॉल्स देख रहे हो जो बीच के पास है, यहाँ पे आपको बहुत प्यारे एम्बर के नेकलेसेस और ज्वेलरी मिलेगी, क्योंकि डांस्क को एक्चुअली एम्बर का कैपिटल माना जाता है। तो यहाँ पे बाल्टिक सी से जो भी एम्बर मिलता है यहाँ पे ये ज्वेलरी बहुत फेमस है। तो अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। ऑफकोर्स महंगा तो हो गई टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे पियर पे कैसे जाएं, चलो चेक किया जाए पियर, और ये रहा वुडन पियर। तो ये हम हैं वुडन पियर पे। नॉर्मली समर में अगर आप यहाँ पे चलना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 8-10 ज़लोटे की टिकट है, ये मुझे पता नहीं था, ये मैंने अभी पता किया। अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई टूरिस्ट यहाँ पे है नहीं सिवाय इन वेल्ले इंसानों के जो यहाँ पे चल रहे अपना कैमरा पकड़ के। तो ये जो पियर है, इसमें इसकी खासियत ये है कि ये 500 मीटर लंबा है और ये यूरोप का सबसे बड़ा लौता वुडन, क्योंकि आप देख सकते हो ये वुडन पियर है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ पे बहुत ही प्यारे आपको पिक्चर्स वगैरह खींचने को मिल सकती हैं, और जो हमारे पंछी हैं यहाँ पे समंदर वाले पंछी जो आपका खाना चुरा सकते हैं, उनसे बच के रहना, ठीक है। सालमन वगैरह, फिश सैंडविचेस वगैरह अगर आप लेते हो तो वो ये ले सकते हैं। तो ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि आप सपोर्ट आओगे तो आप यहाँ पे ये वॉक ले सकते हो, वॉक ऑफ फेम 500 मीटर लंबी। और दूसरा, यहाँ पे आपको बहुत सी बोट राइड्स भी मिलेंगी जो आप ले सकते हो। समर में फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ऑफ़ कोर्स
क्यों पैसा खर्च करें जब कोई जाने वाला नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ लोकल्स ही हैं, तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। यार एक बात है जो नोटिस की है, जब ऐसे टाइम पे आप आते हो ना जहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना बहुत कम है, आपको सारी चीज़ें इतनी सुकून में देखने को मिलती है। और जैसे अब देखो यहाँ पे ब्रिज पे ये जो पियर है, फेमस पियर है सोपोर्ट का, जो एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ से ये पैसा कमाते हैं, वहाँ पे आप फ्री में अभी चल पा रहे हो जैसे मैं फ्री में चल पा रहा हूँ। और दूसरा यार सारी चीज़ें आपको ना बहुत ही मज़े में मिलती हैं, मज़े में देखने को मिलती हैं, और आप सब चीज़ें इतने आराम से इंजॉय कर सकते हो। ऑफकोर्स मौसम नहीं इंजॉय करने वाला, सूरज नहीं है, मौसम एक ही कलर दिख रहा है, डार्क ग्रे वाइट, तो वो भी ऑफकोर्स एक ड्रॉबैक है। पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं तो आप आराम से पेशेंस से और बड़े ही सुकून में देख सकते हो। तो ये तो समंदर है, इसमें ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है, पर यही है कि समंदर का मज़ा तो ऑब्वियसली समर में ही ले सकते हो आप। पर फिलहाल हमें क्या यार, हम देसी लोग हैं, कभी भी दिखा दो कुछ भी चलता है। समर में यहाँ पे आपको बोट राइड्स और अलग अलग तरीके की थीम की बोट राइड्स आपको मिलती हैं, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और वो रहा हमारा होटल, हाँ जी इतना पास मिस्टर दास ठाकुर का स्वागत हो चुका है होटल के अंदर। तो अब यूज़ करते हैं जिम। तो जिम हो गया ख़त्म दोस्तों, अब जा रहे हैं सौना, शावर लेके सौना और फिर वापस निकलते हैं होटल से बाहर। तो रात में निकले हैं सपोर्ट की सड़कों पे, और वो जो आपने मेरे पीछे देखा वो है सपोर्ट की कुकेड बिल्डिंग, जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग है, तो ये आप देख सकते हो। और अभी आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये है मेन स्ट्रीट जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स और शॉप्स मिलेंगी, और वहाँ पे सीधा जाके वही पियर आ जाता है। चलो आगे दिखाते हैं। तो ये मेरे पीछे है कैथेड्रल, जो सपोर्ट का मेन सेंटर है, तो यहाँ आप रात में आ सकते हो, और बहुत ही आला स्ट्रीट है। अब हम खाने वाले हैं खाना, ठीक है, और बस। तो ये छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं जो अभी बहुत खाली दिख रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया जनवरी है, ठंड है, विंडी है, समर के टाइम पे यहाँ पे चलने की जगह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट की स्ट्रीट्स हैं वो बहुत नैरो स्ट्रीट्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, पर रात में बहुत ही प्यारी है ये सिटी। तो कल ही हमने डिनर ख़त्म, और अब ये मेन स्ट्रीट पर चल रहे हैं, जो जैसे मैंने बताया ये सपोर्ट का सिटी सेंटर है, और वही चर्च पीछे है। और ये जो स्ट्रीट है ये छोटी सी स्ट्रीट है और सीधा बीच तक जाती है, तो वो आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो ये जैसे आपने देखा ये छोटी सी स्ट्रीट है, और यहाँ पे शॉप्स हैं, और एक बड़ी प्यारी चीज़ है गेमिंग सेंटर भी है, जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो पैकमैन वगैरह आप सब खेल सकते हो।
तो दोस्तों यही था सपोर्ट. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. तो ये है टॉप थिंग्स विच यू कैन डू इन सपोर्ट एंड आई होप दिस ट्रैवल गाइड फॉर सपोर्ट हेल्प यू अलॉट. तो जब भी आप सपोर्ट आओ, पोलैंड आओ सपोर्ट, और विंटर के टाइम पे मत आना, ठीक है, टाइम पे आना समर के, ताकि आप इन्जॉय कर सको बीच और सिटी. पर मैंने आपको दिखाया कि सिटी में भी बिल्कुल सन्नाटा यार. ये कभी कभी अच्छी चीज़ भी होती है कि जब आप ऑफ सीज़न आते हो ना किसी शहर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें देख सकते हो. ऑफकोर्स आपको वो सूरज नहीं मिलेगा और जहाँ पे लोग अच्छे से इन्जॉय कर पाए वो मौसम नहीं मिलेगा. पर अगर आप मौसम को बर्दाश्त कर सकते हो कि मौसम कैसा भी हो, और अगर आपको वो टूरिस्ट अट्रैक्शन देखना है, ठीक है, बिना भीड़ भाड़ के, बिना झमेले के, तो ऑफ सीज़न आओ. अब बीच है ये, तो ये बीच सिटी है, तो बीच सिटी का तो मतलब ही समर में बनता है. पर मेरा टाइम अभी था तो मैं आया और बीच भी देख लिया. अब क्या सन टैन वन टैन लेंगे, तो हमें तो ठंड लगती नहीं भाई, हम आराम से घूमें. अभी 4 डिग्री और मैं बिना ग्लव्स के घूम रहा हूँ. तो यही मज़े थे और यही था सपोर्ट की जर्नी. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. वीडियो को एंड करते हैं होटल रूम पहुँच के. वो रहा हमारा होटल शेराटन, और वहाँ जाके वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है. तो दोस्तों यही था हमारा एक दिन का ट्रिप सपोर्ट में. जैसा मैंने बताया कि मैं बिज़नेस ट्रिप पे था, तो मैं जनवरी के महीने में आया हूँ जहाँ पे ठंड होती है, बारिश का मौसम है, तो इतना कुछ देखा नहीं. पर जैसा मैंने आपको और भी एक चीज़ बताई कि मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करता. ऑफकोर्स मुझे सूरज पसंद है, ठीक है, और सब यही चाहते हैं कि आराम से धूप में हम अपनी बॉडी को सेकें बीच पे. पर हम भाई देसी लोग हैं, हमने अपनी बॉडी पूरे 24 घंटे सिकवाई है जब हम स्कूल्स कॉलेजेस जाते थे, ठीक है, तो मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करता. तो मुझे फिर भी मज़ा आया, पर मैं आपको समझ में आना चाहूँगा. पर आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता चल जाएगा इस व्लॉग से कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना है और क्या आप कर सकते हो. तो एक दिन बहुत ज़्यादा है, एक दिन बहुत है. अगर आपको बीच पे चिल करना है तो चिल करो आधा दिन, जब सूरज ढलने लगे या फिर ठंड ज़्यादा हो जाए तो वापस आ जाओ. मेन सिटी जाओ, क्रूक बिल्डिंग देखो, वहाँ पे तस्वीरें खींचो. मेन सिटी सेंटर में कैथोलिक अगर आप हो तो आप चर्च देख सकते हो अंदर से जाके, या फिर नहीं भी हो तो वहाँ पे पिक्चर्स ले लो. तो वो मेन सिटी सेंटर है. सपोर्ट इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा है. तो डांस सबसे बड़ा है, डीनिया उससे छोटा है, और सपोर्ट सबसे छोटा, तो ये ट्राई सिटी जो माना जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप सपोर्ट आके अपना आराम से चिल कर सकते हो. तो मेनली सपोर्ट आप आओ तो वहाँ पे बीच वाइब्स लो, ठीक है. उसके बाद आप डांस जा सकते हो. डांस में आप बहुत चीज़ें देख सकते हो आप, ठीक है. डांस में आप अपना नेपच्यून का स्टैचू देख सकते हो, और जहाँ से गोल्ड वासर, जो फेमस गोल्ड वासर है या फिर गोल्ड वाटर बना, ठीक है, जहाँ पे जो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो, जहाँ पे 23 कैरेट का गोल्ड सा छोटा सा चिप उसमें तैर रहा होगा, और वो पीने से, अगर आप दारू नहीं पीते तो अलग बात है, पर वो पीने से गोल्ड लक माना जाता है, ठीक है. और वो बना क्यों था, क्योंकि नेपच्यून जब वो स्टैचू था तो वहाँ पे लोग बहुत से गोल्ड कॉइन्स फेंकते थे गुड लक के लिए, और फिर एक दिन नेपच्यून जो गॉड थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने सारे गोल्ड कॉइन डिस्ट्रॉय कर दिए और वहाँ पे वोडका भर दिया, दारू भर दी. तो वो वहाँ से गोल्ड वासा का टर्म निकला था, या गोल्ड श्लागर. और फिर आप यहाँ टॉलेस बिल्डिंग पोलैंड की देख सकते हो डांस में. और आप हाँ, फिर मेन मार्केट जो है वो आप देख सकते हो. तो बहुत सी चीज़ें हैं डांस में, खैर, पर ये वीडियो डांस के लिए नहीं है, ये सपोर्ट के लिए है. तो सपोर्ट में आप यही कर सकते हो जो मैंने आपको दिखाया. और बस दुआ करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और आई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को. आपके लिए वो सिर्फ एक बटन है, पर मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है. तो नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और बाय.